नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी और आज हम आपको कक्षा 6 का अध्याय 8 पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु अवबोध है। धातु क्या होती है? मैंने आपको बताया था जो क्रिया होती है जिससे हमें किसी काम को होने का या करने का पता चलता है जिन शब्दों से, उसे हम क्रिया कहते हैं। और संस्कृत में जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, तथा क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, लिखना, सोना, पीना, जाना, आना, ये जो सब क्या होती है? हमारी क्रिया होती है, और इसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो जो मूल संस्कृत में धातु क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? संस्कृत में धातु कहते हैं। अब देखिए, धातु को बताने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लगाए हुए हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ धातुएं दी हुई हैं और साथ में उसके अर्थ भी लिखे हुए हैं। ये देखिए, नंबर एक पर है पट। पट का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। लिख, लिखना। हंस, हंसना। वद, बोलना। धाव, दौड़ना या भागना। पच, पकाना। पत, गिरना। गिरना, गिराना नहीं, गिरना। नम, नमस्कार करना। रक्ष, रक्षा करना। आपको बोलने मात्र से ही सब समझ में आ रहा होगा कि रक्ष का क्या होता है? रक्षा करना। ग्रज, गरजना या दहाड़ना। कूज, कूकना या चहचहाना। पक्षियों का कूकना, बोलना या चहचहाना। नृत्य, नृत्य, इस धातु को नृत्य भी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ नृत्य करना, नाचना। दृश्य, जो दृश्य धातु है बेटा हमारी, इसको पश्य में चेंज कर दिया गया है, पश्य में बदल दिया गया है, तो जिसका अर्थ होता है देखना। पा धातु को पीप में परिवर्तित कर दिया गया है जिसका अर्थ होता है पीना। क्रीड, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। अब देखिए, सबसे मेन जो हमारा टॉपिक है धातु, तो मैंने आपको बता दिया कि जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया, किसी भी कार्य को करना, जिन शब्दों से कार्य को करने का या उनके होने का पता लगता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो हमने आज इस लेसन का अध्ययन कराया बच्चों आपको। ये सारी हमारी क्रियाएं हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।